बलोचिस्तान की तरक्की के दावे, मगर आज भी निजी टॉर्चर जेलें कायम है। क्या एमपी अब्दुल रहमान खेतरान निजी टॉर्चर जेल चला रहे हैं? एमपी अब्दुल रहमान खेतरान ने अपने ही बेटे पर प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगा दिया। अब्दुल रहमान खेतरान का दावा है कि उनके एक बेटे ने साजिश करते हुए वीडियो बनाई है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सियासी रहनुमा अब्दुल रहमान खेतरान, उनके बेटे हमारे साथ है इनाम शाह खेतरान, उनसे बात करेंगे। जी इनाम शाह, आपके वालिद ने यहाँ पर इल्जाम लगाया है कि आपने साजिश करते हुए खातून की वीडियो बनाई, क्या ये सारा ड्रामा जायदाद के लिए किया गया है? पहले तो मैं ये कि अच्छा आप लोगों ने मेरा मौकिफ भी लिया है जी। अगर ये मामला जायदाद का होता ना, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो आज से 3 महीने पहले जो खातून कत्ल हुई है उनका खावन हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके उसने चीख चीख के बोला कि इस बंदे ने मेरे बीवी, मेरी बच्ची और मेरे बच्चों को जर्जमान बनाया हुआ, अगवा किया हुआ और अपने पास रखा हुआ है। तो वो हर प्लेटफॉर्म पे, ये नहीं कि चले अगर मैंने ये ड्रामा बनाना होता या फॉर एग्जांपल ले कहें कि ये स्टोरी मैंने प्लांट की है, तो ये 3 महीने पहले से जो उसका खावंद है उसके साथ सरदार साहब की क्या ऐसी टसल चल रही है जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं।